हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में अगर जो आप सभी का अकाउंट है और आपके अकाउंट में आपका आधार लिंक नहीं है तो आप सभी जो कि बिना ब्रांच जाए घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने अकाउंट में आधार लिंक कर पाएंगे। तो कैसे आधार लिंक करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट में दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने मोबाइल फोन पे हूँ। इस तरह से अपने मोबाइल फोन पे आ जाएंगे और यहाँ पे कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर या कोई भी आपके मोबाइल फोन में ब्राउजर है ओपन करेंगे। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट का यह ब्राउजर है, चलिए इसको जो कि ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर यहाँ पे हमने जो कि देखिए ओपन कर लिए हैं और सर्च में टाइप करेंगे PNBIndia.in, जो पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए हम जो कि यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, जो ऊपर आप सभी जो कि देख रहे हैं यहाँ पे PNBIndia.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जो इस तरह से आप सभी जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस तरह से आप सभी जो कि ये वेबसाइट पे आ जाएंगे यहाँ पे अपने ब्राउजर के माध्यम से। तो हम जो कि आ चुके हैं, अब यहाँ पे थ्री लाइन आप देख रहे हैं, थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस जो कि ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देख रहे हैं ई सर्विस। तो यहाँ पे ई सर्विस इस एरो पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे इस एरो पे आप सभी जो कि क्लिक करेंगे, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो कि आप देखेंगे इस तरह का फंक्शन जो कि यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और नीचे देखिए जो कि OTP बेस आधार सेंडिंग, इस पे जो कि क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो कि इस तरह से जो कि पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आप देख पाएंगे क्लिक हेरे फॉर OTP बेस आधार सेंडिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे आप सभी जो क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह का एक पेज जो कि ओपन हो जाएगा। चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जूम करके आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। इस तरह का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा और सबसे ऊपर जो कि अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कैप्चा देख रहे हैं, कैप्चा यहाँ पे भरेंगे, उसके बाद जो कि कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे जो कि अपना अकाउंट नंबर और कैप्चा जो कि भर के कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं और आगे का प्रोसेस हम आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं कि मैं अपना अकाउंट नंबर और कैप्चा यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप सभी जो कि देख पाएंगे कि यहाँ पे इस तरह का फंक्शन जो कि ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जूम करके यहाँ पे इस तरह का फंक्शन जो कि ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, जो बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा। OTP यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैप्चा, तो कैप्चा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसको जो कि रिफ्रेश कर लेंगे। चलिए हम रिफ्रेश पे क्लिक कर देते हैं। रिफ्रेश पर हमने जो क्लिक कर दिए हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे जूम करेंगे। चलिए हम जो कि जूम कर दिए, दोबारा हम रिफ्रेश पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो हमने जो कि यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कर दिए हैं, अब यहाँ पे हम जो कि जूम कर रहे हैं। जूम करने के बाद जो कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे OTP अपना जो कि इंटर करेंगे, जो आपके बैंक में लिंक है मोबाइल नंबर, उस पर OTP आएगा। OTP इंटर करेंगे, यहाँ पे कैप्चा या भरेंगे और जो कि वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम जो कि OTP या कैप्चा भर के वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद जो कि आगे का प्रोसेस हम दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कि OTP अपना एंटर कर दिए हैं और यहाँ पे कैप्चा भी भर दिए हैं और यहाँ पे वैलिडेट पे आप क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का फंक्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम जूम करके आप सभी को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का है जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो कि आ चुका है और यहाँ पे आप सभी जो देख पाएंगे नीचे आपका नाम दिखेगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो कि दिखेगा, जो बैंक में है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे जो कि प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करना है प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का जो कि ऑप्शन आ जाएगा। अब दोबारा हम जूम करके आप सभी को यहाँ पे दिखा देते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो कि दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जो कि अपना आधार नंबर जो कि इंटर करेंगे, उसके बाद जो कि यहाँ पे देख रहे हैं यस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आधार फॉर जो कि वैलिडेशन पे आप यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं, तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। चलिए सबसे पहले जो कि आधार यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं। चलिए आधार नंबर इंटर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कि अपना आधार नंबर इंटर कर दिए हैं और यहाँ पे यस पे क्लिक कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो कि कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे
जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चलिए मैं जो जूम करके सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने जो कि यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक किए हैं तो यहाँ पे देखिए जो कि इंटर ओटीपी इस तरह का ऑप्शन जो कि आ चुका है। और दोस्तों यह ओटीपी आएगा आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो कि आएगा आधार की तरफ से। यहाँ पे ओटीपी जो कि इंटर करेंगे उसको जो कि वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए हम ओटीपी इंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस हम आप सभी को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने जो कि अपना ओटीपी इंटर कर दिए हैं, करने के बाद जो कि अब यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे वैलिडेट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन जो कि आ जाएगा। और यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं कि इस तरह का ऑप्शन रहेगा, कुछ नोटिफिकेशन इसको आप सभी जो कि पढ़ पाएंगे। चलिए यहाँ पे ओके पे अब जो कि क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पे जूम करके मैं आप सभी को दिखा देता हूँ किस तरह का यहाँ पे फंक्शन जो कि आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का फंक्शन जो कि आ चुका है। सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा गया है कि आधार डिटेल्स कैप्चर सक्सेसफुल। यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं आपका आधार जो कि कैप्चर सक्सेसफुल जो कि हो चुका है। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ दिखेगा, यहाँ पे एड्रेस दिखेगा, जो एड्रेस है कम्प्लीट एड्रेस यहाँ पे देख पाएंगे। और नीचे यहाँ पे आप सभी जो कि देख पाएंगे अकाउंट जो कि नंबर अपना जो कि यहाँ पे जो कि देख पाएंगे, यानी कि यह आपका काम जो कि कम्प्लीट हो चुका है आपके आधार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका काम जो कि कंप्लीट हो चुका है आपके अकाउंट में, आपका आधार जो कि यहाँ पे लिंक हो चुका है सक्सेसफुल, जो यहाँ पे आप सभी जो कि देख रहे हैं। इस तरह से आप सभी जो कि घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने अकाउंट में आधार लिंक कर पाएंगे, आपको जो कि ब्रांच पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।